हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो वी हैव टेकन द यूनिट 4 लॉज ऑफ मोशन। इसमें हमने पिछली वीडियो में फोर्स के बारे में पढ़ा, कुछ एग्जांपल्स हमने किया फोर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इनर्शिया एंड इट्स टाइप्स। सो व्हाट डू यू मीन बाई इनर्शिया? जैसे फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी, जब हम किसी भी बॉडी पर, फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। कहीं पर हम पुश करते हैं, कहीं पर हम पुल करते हैं, चाहे बॉडी को हम मूव करना चाहते हैं, चाहे बॉडी को स्टॉप करना चाहते हैं, या बॉडी के डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया और इनर्शिया के टाइप्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। सो डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च ऑफ विच इट कैनॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड इनर्शिया। एक बॉडी जो खुद चेंज अपना स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन जो है जो खुद चेंज नहीं कर सकता है उसको बोलते हैं इनर्शिया। इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, द इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। सो बच्चों, ये प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी है इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाई वर्चू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑन इट्स ओन। जब एक बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, या यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। अपना खुद बॉडी जो है अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती है, अपनी स्टेट ऑफ इट्स ओन, अपना चेंज अपना स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन खुद ही बॉडी चेंज नहीं कर सकती है। इसी को बोलते हैं इनर्शिया, हम बोल सकते हैं बॉडी इनर्शिया में है। सो बॉडी द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट स्टेट और रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड द इनर्शिया। वो जो इनर्शिया ऑफ द बॉडी है इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, इनर्शिया इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। सो बच्चों, लेट अस टेक नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इनर्शिया। इनर्शिया इज ऑफ द थ्री टाइप्स। पहला है इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, दूसरा हम पढ़ेंगे इनर्शिया ऑफ द मोशन विद एग्जाम्पल्स, एंड तीसरा है इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन, वो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। सो लेट अस टेक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट टाइप इन टाइप्स ऑफ द इनर्शिया, वो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट हम पढ़ेंगे पहले। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया ऑफ रेस्ट? इट इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट ऑन इट्स ओन। वो जब एक बॉडी रेस्ट में है और जब बॉडी अपना रेस्ट स्टेट को चेंज नहीं कर पाती है ऑफ इट्स ओन, हम बोलते हैं इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट बच्चों क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑन इट्स ओन। वो अगर एक बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो बॉडी एक इनेबल पोजीशन में है कि वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट को खुद ही चेंज नहीं कर सकता है, मोशन में नहीं ला सकती है, या अपना चेंज डायरेक्शन नहीं कर पाती है ऑफ इट्स ओन, तब हम बोलते हैं तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इसमें दो एग्जाम्पल्स हम दे देंगे, एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करेंगे, इससे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। व्हेन ए बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड। जब एक बस सडनली स्टॉप करती है, जब हम बस में बैठे होते हैं, पैसेंजर बस में बैठे होते हैं, जब बस जो है सडनली स्टॉप करेगी, जो पैसेंजर जो है वो पीछे की ओर धकेलते हैं, अपने आप को धकेलते हैं पीछे की ओर जब बस सडनली स्टार्ट करते हैं, तो पैसेंजर जो बैठे होते हैं बस में वो पीछे की ओर धकेल दिए जाते हैं, पीछे की ओर चले जाते हैं उनका सडनली। दिस इज बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विद ए बस बट अपर पार्ट ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द रेस्ट। बिकॉज ये क्यों होता है? जब अचानक बस में बैठे हैं पैसेंजर जो होते हैं, जब बस अचानक स्टार्ट होती है जब बस अचानक स्टार्ट होती है, उसमें जो पैसेंजर्स बैठे होते हैं वो पीछे की ओर थोड़ा सा धकेल दिया जाता है, उसकी वजह से जर्क लगती है उनको पीछे की ओर। दिस इज़ बिकॉज जो पैसेंजर्स होते हैं वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी उनकी जो होती है वो मूव करती है स्टार्ट, वो दैट स्टार्ट मूविंग विद ए बस बट अपर पार्ट ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट। जो अपर पार्ट है वो रेस्ट में होता है ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द रेस्ट।
सो बच्चों, जब भी एक बस सडनली स्टार्ट करती है तो जो पैसेंजर उसमें बैठे होते हैं वो पीछे की ओर थोड़ा सा मूव करते हैं, पीछे की ओर धकेल मूव हो जाते हैं, बिकॉज उनको जर्क लगता है पीछे की ओर। दिस इज़ बिकॉज जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है स्टार्ट मूविंग विद द बस, वो बस के साथ मूव करते हैं, स्टार्ट मूविंग विद द बस द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। बट जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो ऑफ द पैसेंजर्स है वो रेस्ट पर होता है, दैट मीन्स एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द रेस्ट। इसी की वजह से उनको जर्क लगता है पीछे की ओर जब अचानक बस स्टार्ट होती है। व्हेन वी शेक ए ब्रांच ऑफ ए मैंगो ट्री द मैंगो फॉल डाउन, दूसरा एग्जांपल है कि जब हम एक मैंगो ट्री को शेक करते हैं, मैंगो ट्री को जब शेक करते हैं तो जो मैंगोज है वो उस पर जो सारे नीचे गिर जाते हैं। दिस इज बिकॉज द ब्रांच कम्स इन मोशन, जो ब्रांच मोशन में आता है, एंड द मैंगोज टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, वो जो मैंगोज है दे टेंड टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, हेंस दे गेट डिटैच्ड। सो ये दूसरी एग्जांपल है कि जब भी हम शेक करते हैं एक ब्रांच को, ए ब्रांच ऑफ द मैंगो ट्री को जो हम शेक करते हैं, हिलाते हैं, जो उस पर मैंगोज होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द ब्रांच कम्स इन मोशन, ब्रांच मोशन में आता है, और जो मैंगोज है उस पर दे टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट पर रहना चाहते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द रेस्ट। वो जब ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द रेस्ट वो रेस्ट में रहना चाहते हैं, जब हम ब्रांच को हिलाते हैं हिन्स दे गेट डिटैच्ड, इसलिए वो डिटैच हो जाते हैं। इसी तरह है सेकंड पार्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन। ये फर्स्ट पार्ट हमने एक्सप्लेन किया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया में हमने पढ़ा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, पहला हमने पढ़ा इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमने एक्सप्लेन किया, इसमें हमने दो एग्जांपल दे दिए, उससे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। दूसरा है इनर्शिया ऑफ द मोशन, ये क्या होता है ये हम अंडरस्टैंड करेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन, वो एक बॉडी अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर पाती है खुद ही, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ द मोशन। वो एक बॉडी की इनएबिलिटी होती है कि वो अपना स्टेट ऑफ मोशन जब होता है उसको चेंज नहीं कर पाती है खुद ही, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ द रेस्ट मोशन। इसके लिए हम एग्जांपल दे देंगे, व्हेन ए बस स्टॉप सडनली द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड टेंड टू फॉल फॉरवर्ड, वो इन दिस केस जब एक बॉडी, एक एग्जांपल हम दे देंगे, जब एक बस जो है वो सडनली स्टॉप करती है, उसमें जो पैसेंजर्स बैठे होते हैं वो आगे की ओर बेंड हो जाते हैं, आगे की ओर वो उनका जर्क लगता है। दिस इज़ बिकॉज उनका जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो रेस्ट पर आता है विद ए बस, वो जब बस स्टॉप करती है अचानक, तो जो उसमें पैसेंजर्स बैठे होते हैं वो उनका आगे की ओर जर्क लगता है, बिकॉज जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो रेस्ट में आता है विद ए बस, बट द अपर पार्ट टेंड्स टू कंटिन्यू इट्स मोशन, लेकिन जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पैसेंजर्स है दे कंटिन्यू इट्स मोशन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द मोशन। सो बच्चों आपको समझ आएगा कि इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन, वो एक बॉडी जो स्टेट ऑफ मोशन में है वो अपने आप ही वो स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकती है। जिसमें हमने एग्जाम्पल समझाया कि एक बस जब अचानक स्टॉप करती है उसमें जो पैसेंजर्स होते हैं उनको आगे की ओर जर्क लगता है, क्योंकि बिकॉज उनका जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है वो रेस्ट में आ जाता है बस के साथ, लेकिन जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पैसेंजर्स हैं टेंड्स टू कंटिन्यू इट्स मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द मोशन। सिमिलरली ए पर्सन जंपिंग आउट ऑफ ए स्पीडी ट्रेन मे फॉल फॉरवर्ड, जब एक पैसेंजर एक स्पीडी ट्रेन से बाहर जंप करेगा वो आगे की ओर फॉल फॉरवर्ड, ए पर्सन जंपिंग आउट ऑफ ए स्पीडी ट्रेन मे फॉल फॉरवर्ड, दिस इज बिकॉज हिज फीट कम्स टू रेस्ट ऑन टचिंग द ग्राउंड एंड रिमेनिंग बॉडी कंटिन्यूज टू मूव टू इनर्शिया ऑफ द मोशन। जब भी हम कभी बस से उतरते हैं या हम ट्रेन स्पीडी ट्रेन से उतरते हैं तो हम आगे की ओर मूव करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी जो फीट जो है, जो बॉडी का जो फीट है वो रेस्ट पे आ जाता है जब ग्राउंड के साथ टच होता है, लेकिन जो रिमेनिंग बॉडी होती है बॉडी की वो दैट कंटिन्यूज टू मूव ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द मोशन। सो बच्चों यहाँ पर आप ये देखो, ए पर्सन जंपिंग आउट ऑफ ए मूविंग स्पीडी ट्रेन और ए मूविंग ट्रेन मे फॉल फॉरवर्ड, वो आगे की ओर गिर जाएगा।
दिस इज बिकॉज द फीट कम्स टू रेस्ट ऑन टचिंग द ग्राउंड, जब वो उसके फीट ग्राउंड के साथ टच करते हैं तो वो रेस्ट पे आ जाते हैं, मगर जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पर्सन है दैट कंटिन्यू टू मूव ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द मोशन, को ये है इनर्शिया ऑफ द मोशन। सो लेट अस टेक नाउ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, थर्ड पार्ट, थर्ड टाइप ऑफ द इनर, थर्ड टाइप जो है मोशन का इनर्शिया का, दैट इज इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन। इट इज डिफाइंड एज इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन, गो यहाँ पर भी एक मोशन, एक बॉडी अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकते हैं ऑफ इट्स ओन, इसी को, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। वो जब तक ना हम उसको अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल फोर्स, तब तक ये बॉडी अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं कर पा सकते हैं ऑफ इट्स ओन, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो इट इज़ डिफाइंड एज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन। फॉर एग्जाम्पल, इस हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। When a car round से curve suddenly, the person sitting inside experiences outward force. जब हम कार में बैठे हैं, एक करू जब आता है रोड पे, तो जब कार करू पर अचानक मूव करती है, राउंड करती है, तो वो उस पर जो उसमें जो पर्सन बैठे होते हैं वो आउटवर्ड वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, करते हैं आउटवर्ड फोर्स। दिस इज बिकॉज द पर्सन ट्राइज टू मेंटेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन। सो बच्चो, वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन। वो एक बॉडी अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इट्स ओन चेंज नहीं कर सकती है, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब एक कार मूव करती है एक कर्व पर, रोड पर, उस पर सडनली मूव करती है, टर्न करती है एक रोड पर, कर्व्ड रोड पर, उसमें जो पैसेंजर बैठे होते हैं वो आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों करते हैं एक्सपीरियंस? दिस इज़ बिकॉज द पर्सन ट्राइज टू मेंटेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि जो पर्सन जो है अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन मेंटेन करना चाहता है ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन। सो ये हमने पढ़ा इनर्शिया, इस वीडियो में हमने पढ़ा इनर्शिया क्या होता है, थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो यहाँ पर ये एक छोटा क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, व्हेन ए बस सडनली टेक्स ए टर्न द पैसेंजर्स आर थ्रोन आउटवर्ड्स बिकॉज ऑफ, इसमें हमने बताना है चार पॉइंट इसमें से कौन सा आएगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ऑफ मोशन, स्पीड ऑफ मोशन, बोथ बी एंड सी। सो यहाँ पर आएगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि जब एक बस सडनली टेक्स ए टर्न या जब एक कार सडनली टर्न करती है, जो पैसेंजर्स है दे आर थ्रोन आउटवर्ड्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन, जो हमने अभी इसमें एक्सप्लेन किया। सो बच्चों, वी विल कंटिन्यू द वीडियोस। इस वीडियो में हमने पढ़ा इनर्शिया क्या होता है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसमें थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया हमने एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच, यू होप यू विल अंडरस्टैंड इन बेटर वे, व्हेन यू विल रिपीट द वीडियोस वन और टू टाइम्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड क्लियर योर कन्फ्यूजन इन ए बेटर वे। थैंक यू वेरी मच।